सच में क्या हवा है भाई। ये रखना चलो जी, ये यहाँ सबने कर ली अपनी चाय की व्यवस्था। खाने वाने में तो काफी चीजें इनके पास बहुत रखी हैं। मैगी एक मैगी। यस, हवा बहुत अच्छी चल रही है ना, एकदम सफर भी बढ़िया। बिज जी को एक एक चीज बता, एक तो यहाँ बड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला इस जगह का नाम है कोराली, ये भीमताल से पहले पड़ती है। कुल्लड़ वाली चाय, मजा। वहां पहाड़ आए और ना खाए मैगी, ऐसा कैसे हो सकता है। नेस्ले वालों शुक्रिया अदा करना चाहिए, पहाड़ी लोग। चले भैया आगे की यात्रा जारी रखते हैं। कंफर्टेबल है, बैठो बैठो। अपन बैठते हैं अपनी यहाँ पे, गर्मी हो रही है, अच्छी गर्मी। दूर जो दिख रहा है वो नैनीताल है भाई। ये आ गया भीमताल। और ये आ गए हम भीमताल की ओर से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। दूर दूर तक नजर जाती है ताल ही ताल, और पानी के पास जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उसकी बात ही अलग है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, हवा बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी, एकदम ठंडी ठंडी। आप चलेंगे फटाफट यहाँ से आगे नागार्जुन, नहीं नागार्जुन से पहले आएगा दोराट से पहले आएगा रानीखेत। दोराट में कौन सा टेंपल है छोटा सा, वो क्या नाम है, ठंडा हो रहा था। सब छोटे 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 मकान बन रहे इधर, होम स्टे भी काफी बन गए यहाँ पे है ना भाई, ये होम स्टे। यस, नर्सरी बनाई बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन नर्सरी। वो हमारे भाई साहब थे गांव में, उनको भी बता, उसने बोला उनका बेटा है, पहाड़ की हवा ये सब कटती है। और मैं नहा रहा था और नहाते नहाते वहीं पे आ गए आंगन में, बोला बाथरूम में लेके। तो ये पहुंच गए हम भवाली, यह भवाली हमको नीचे को जाना, ऊपर नीचे को ये घोड़ा कॉल जा रहा भैया, ये घोड़ा कॉल जा रहा है ये राइट पे। अच्छा 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 अच्छा, क्या कह रहे हो, मार्केट ही है। एक कमाल की बात जो मैंने नोटिस की है वो ये कि जैसे आप छोटे छोटे शहरों में जाते हो वहाँ फिल्म स्टार्स की फोटो लगी होती है, आप देवभूमि उत्तराखंड में आते हो तो यहाँ आध्यात्मिक गुरुओं की फोटो लगी होती है, चाहे नीम करोरी बाबा हो, चाहे हैदा खान बाबा हो या कोई और हो, तो उनकी फोटोज आपको देखने को मिलेगी। देवी मंदिर भवाली। अब आने वाला है कैची धाम। कैची धाम किस लिए फेमस है,
कैंची धाम जो है नीम करौली बाबा का आश्रम है और उन्होंने स्थापित किया था ये मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत अच्छा, बाकी देवी देवताओं के भी मंदिर है और यहाँ से विदेशों से भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, सारे विश्व से आते हैं। क्या नाम था मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक एप्पल का मालिक, एप्पल का मालिक, स्टीव जॉब्स वो आते हैं, आता था। तो ये सेगमेंट था यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। देखो शिप्रा होमस्टे लिखा था। हाँ शिप्रा होमस्टे, मेरा होमस्टे देखो हमारा ही। तेरे नाम से उसमें वो भी, तेरे नाम से उसमें वो कौन सा डिस्काउंट दे देगा? चलो दिखायो शिप्रा होमस्टे। हाँ जी, फिलहाल तो जाम लगा हुआ है बड़ा भयंकर। बड़ा 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 ये सड़क बह गई थी बरसात के समय में, तब से चल रहा है इसमें काम। कैची धाम के बाद 2-3 बार बह चुकी है ये। क्या चीड़ के पेड़ हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मुरझा जाएंगे जैसे, छुई मुई हो जाएगा उनका, बट यही तो मजा है यहाँ पे। ओए होए क्या भीड़ हो रही है कैंची धाम में। जय हो नीम करौली बाबा की। जय नीम करौली बाबा। ये है नीम करौली बाबा का मंदिर। यहाँ हो रही है बहुत भीड़ क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए गर्म पानी। यहाँ पे मम्मी को लेना है जकिया। जकिया एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट होता है जो पहाड़ी खाने में इस्तेमाल होता है, खास तौर से आलू की सब्जी में। तो उसको देखें ज़रा, जैसे सरसों होता है ना, जकिया। मम्मी क्या खरीद रही? जकिया तड़के में, जैसे आलू वालू की सब्जी में डालो अलग मजा आता है। ये फाइबर है जी। ये है वो और रेसी हमारे घर में पहाड़ में हो गया। ये होगी ना पहाड़ में होगी, ये तोड़ के ये चल कर ले। ये और क्या है? ये और मोट ये अपनी का जगह है, ये अपनी का है। झुंगल के चावल सर आधा किलो, आधा किलो झुंगल। ये है गडेरी, जस्ट लाइक अरबी बट मोर टेस्टियर देन अरबी। ये है ना राम करेला, ये नींबू है। यस यस इसका बनाते हैं, ये नींबू होता है, दिखाओ 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 दिखाओ। इस नींबू का बनता है सन्ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सान करके खाते हैं। ये लेडीज जो यहाँ सब हैं सब खाती हैं। इट्स अ वेरी टेस्टी वन, बहुत बड़ा नींबू। छोटे छोटे
अच्छा आपके आपके क्यों हुआ? और यहाँ खरीदारी करते हुए मेरी नजर पड़ी सामने सड़क के दूसरी तरफ है गर्म पानी का राम मंदिर। मैं खुद अयोध्या से आ रहा हूँ और ये मुझे राम मंदिर एक दिख गया। इधर थोड़ा सा जाके देखता हूँ उधर क्या है। ये है राम मंदिर गर्म पानी का। ये गाड़ी हटेगी ना तो ये अच्छे से नजर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मम्मी जो है वादा करके आई थी मुझे कि जल्दी जल्दी लूंगी, वो लगी हुई है पता नहीं चार पांच चीजें और खरीद रही हूँ। तो पहाड़ों में ऐसे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज आपको दिखेंगे। गर्म पानी बहुत मशहूर जगह है। शुरू शुरू में यहाँ क्या होता था, बसेस रुकती थी बहुत सारी और लोग पानी वगैरह भरते थे। अभी भी ये शुद्ध पानी है, एकदम पहाड़ से आ रहा है। और इसके साथ ही ये राम मंदिर। हाँ क्रॉस करो जल्दी। जैसे जैसे दिन बीत रहा है ना वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्म पानी में पकौड़ा कहाँ खाया जाए। गर्म पानी में पकौड़ा और रायता बड़ा मशहूर है। जो लोग जानते हो तो जानते, जो नहीं जानते हो। यहाँ दादा वो कहाँ मिलेगा पकौड़ा और रायता? पकौड़ा रायता वहाँ पतली में। पतली में हाँ। वहाँ खाएंगे फिर आगे पहुँच के एकदम। ठीक है चलो हम तो पुल से इधर को जाएंगे ना। अल्मोड़ा भी पास हो गया हमारे काफी। और रानी खेत का इधर से आएगा। दोराहट यहाँ से 64 किलोमीटर। यह है शुद्ध शाकाहारी पहाड़ी भोजनालय। यहाँ खाए जाएंगे पकोड़े और उसके साथ रायता। इन लोगों को सबको होने दो सेटल। और बाहर का यहाँ खिड़की से जरा पकौड़े बनाएंगे। आप क्या कह रहे हो? काले छोले। ये पॉइंट यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ मैं, नजारा छत से। अरे वाह वाह, यहाँ से पता चलता है हम कहाँ पे हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अभी बरसात नहीं है तो नदी सारी सूखी हुई है सारी, नहीं तो ये पानी पूरा लबालब भरा हुआ रहता है। ब्यूटीफुल है ना ये, शाम को तो मतलब ये अद्भुत ही हो जाता होगा। जितना शोर है सिर्फ गाड़ियाँ जो गुजर रही है ना सड़क से उसका है, बाकी बहुत शांति है। पीछे पूरा पूरी वादियाँ ही वादियाँ हैं चारों तरफ घूमे ऐसे तो। और सीधा मुंह पे ऐसे सनलाइट पड़ रही है तेज। लेकिन सूरज भी अच्छी लग रही है क्योंकि हवा इतनी अच्छी है और फ्रेश है भाई। सारा अनुलोम विलोम इधर ही कर लें। वैसे भी बीमारियां दूर हो जाएं। वैसे भी दिल्ली बंबई में रह के बड़ा मुश्किल हो गया भाई। बहुत सुंदर यार, ये लग गए पकौड़े। इंतजार है रायते का। ये है चना। ये आ गया रायता। अब इस रायते के साथ पहाड़ी रायता, इसके साथ खा जाएंगे पकौड़े। वाह ये
राघव ये व्लॉग देख रहा है तो राघव को बता दूं कि हम उपराड़ी से गुजर रहे हैं जो आपका गांव है। हाँ यही जंगल की आग बन जाती है। जय हो कुमाऊं रेजिमेंट, जय हो देश की शान, देश की आन बान के लिए जिंदाबाद। पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा। आगे देख लो, ओए होए होए क्या पेड़ है भाई। ये चीड़ के पेड़ है, ये चीड़ के 100 पेड़ से 100 के। ये है नीचे देवदार, देखो ये आगे मिलिट्री हॉस्पिटल। पहले टर्न में हमारा बच्चा भी गया था कुमाऊं विहार। कुमाऊं विहार भालू पाए जाते हैं, ग्लोरी ऑफ फॉरेस्ट। ये देखो, ये देखो हिरन। वो दिख रहा है दूर हिमालय, ये बस। रानीखेत में तापमान में बेहद गिरावट और स्काईलाइन पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है। जैसे जैसे आगे जाएंगे दौराहाट की तरफ, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, शाम के 3:16 हैं और अभी से हल्का हल्का सूरज नीचे की ओर जा रहा है, तो दौराहाट को जाते समय तापमान और कम होगा। वो भी अल्मोड़ा, ये वाली सड़क ये अल्मोड़ा को ये अल्मोड़ा जा रही है, ये दौराहाट, ये दौराहाट है, दौराहाट बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ भी इधर से ही है। केदारनाथ, तो केदारनाथ अगर जाना है तो इधर ही आना पड़ेगा, कर्णप्रयाग। हाँ 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 हाँ, कर्णप्रयाग तो आया दौरा की है। बद्रीनाथ यहाँ से 254। देख लेंगे टाइगर। अरे तू चुप कर, ये मुझे लग रहा है ये साउंड ऐसा है, साउंड ऐसा है। हाँ कोई नहीं, टाइगर नहीं है तो चुप कर। साउंड तो यहाँ नहीं है टाइगर, टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं हूँ, देख लूंगी टाइगर को। और ये चढ़ने की बहुत ही नाकामयाब कोशिश करते हुए, ये शिशौन है, वाओ। चलो फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हुए हम पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए पेड़ के पास। इनको तुम दोनों को कह रही हूँ मैं, देखो गाड़ी खड़ी है इधर, क्या जगह है यार, ये गजब। हमारे इसको पीरू बोलते हैं, ये चीड़ के पेड़ का। ये तो मैं बाजार में वहां मिलते नहीं है, शरीफा का वहां नहीं मिलते, मार्केट में नहीं मिलते ऐसे, इसमें कलर करते हो फॉर यू। ये खूब मशक्कत के बाद हमने जंगल से खोदा है, क्या खोजा है, खोजा है, खोजा खो जाए, सॉरी खोदा नहीं खोजा है। तो मैं फॉरेस्ट वाले पकड़ेंगे घास उठाने के लिए। पहाड़ में मतलब ऐसे ही, तुम्हारी ऐसे चलने में थोड़ा सा पहाड़ पे चलना पड़ेगा तुम्हें।